देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। केले की खेती को बढ़ावा दे रही है सरकार, अनुदान देकर किसानों से कराई जाएगी खेती। बारिश न होने से निराश किसानों के लिए खुशखबरी, आईएमडी ने की भारी बारिश की भविष्यवाणी। 4 रूपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदेगी सरकार, जल्द होगी योजना की शुरुआत। ग्रीन टीवी अपने प्यारे दर्शकों के लिए मना रहा है ग्रीन परिवार महीना, जिसमें ग्रीन टीवी से जुड़े दर्शकों को हर हफ्ते मौका दिया जा रहा है एक शानदार एंड्रॉइड मोबाइल फोन जीतने का। इसके लिए ग्रीन टीवी के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करने वाले किसानों और दर्शकों को सिर्फ अपने द्वारा शेयर और लाइक किए गए वीडियोस का स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9540300003। हफ्ते भर में जिस भी दर्शक द्वारा ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर कराया जाएगा उन्हें न सिर्फ एक अच्छा मोबाइल फोन ग्रीन परिवार की तरफ से तोहफे में दिया जाएगा, बल्कि उन्हें ग्रीन टीवी के प्लेटफॉर्म पर आने का मौका भी मिलेगा। केले की खेती के जरिए अब किसानों को मुनाफा होने वाला है और इसके लिए सरकार ने कई प्रावधान भी किए हैं। रायबरेली के किसान अब 3 गुना ज्यादा केले की खेती करेंगे और अब किसानों को पौधे भी खरीदने के लिए कहीं पर भी भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। दरअसल हॉर्टिकल्चर विभाग ने स्वयं किसानों को पौधे उपलब्ध कराने की बात की है, साथ ही जिला उद्यान विभाग ने किसान को 30,738 रूपए का अनुदान देने की भी घोषणा की है। बता दें कि किसान अब पारंपरिक फसलों से ज्यादा व्यापारिक फसल या बागवानी की ओर झुक रहे हैं। अच्छा मुनाफा और कम लागत किसानों को काफी लुभा रही है और साथ ही साथ सरकार से मिलने वाले अनुदान से किसानों को आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। गौरतलब है कि अनुदान का लाभ लेने के लिए किसानों को उद्यान कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अनुदान का लाभ लेने के लिए किसानों को कम से कम 0.2 हेक्टेयर में खेती करनी होगी। इसके बाद ही विभाग की तरफ से किसानों को पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला उद्यान अधिकारी केशव चौधरी ने बताया कि रायबरेली जिले में बड़े पैमाने पर केले की खेती कराने की तैयारी चल रही है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार केले की खेती का रकबा 3 गुना ज्यादा बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। बारिश न होने की वजह से किसान काफी परेशान है। हालात ये है कि देश के कई राज्यों के किसान बारिश नहीं होने की वजह से फसलों की बुवाई नहीं कर पाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादातर किसान खेती में बारिश पर निर्भर रहते हैं और बारिश नहीं होने पर उन्हें काफी घाटा होता है, लेकिन बारिश की कमी से जूझ रहे किसानों के लिए मौसम विज्ञान विभाग ने खुशखबरी दी है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अब जल्द ही बारिश होने वाली है। देश के प्रमुख फसल उत्पादक राज्यों में 18 जुलाई से बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश नहीं होने से खरीफ की फसल चिंता का विषय बन गई है। आंकड़ों के अनुसार उत्तर पश्चिमी इलाकों में 11% पानी की कमी दर्ज की गई है, जबकि पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में 8% बारिश की कमी दर्ज की गई है। हालांकि अब इन क्षेत्रों में पिछले एक सप्ताह के दौरान हुई बारिश के कारण काफी हद तक कमी पूरी हो गई है और 18 जुलाई के बाद हालत और सुधरने की उम्मीद है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आईएमडी प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि दक्षिण पूर्व मॉनसून के अलावा स्थानीय वातावरण के कारण भी बारिश होने के आसार इन राज्यों में दिखाई दे रहे हैं। मध्य भारत के ऊपर एक लो प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है, इसके प्रभाव से 19 जुलाई को उड़ीसा के उत्तरी हिस्सों में बारिश की संभावना बन रही है, जबकि पश्चिमी बंगाल, बिहार और झारखंड में बंगाल की खाड़ी में बन रहे सर्कुलेशन के कारण बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती पर सरकार लगातार ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने अब गोबर के साथ ही गौमूत्र की खरीद करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि इससे संबंधित योजना को लेकर राज्य में तैयारी चल रही है। गौरतलब है कि राज्य में पशुपालकों को सशक्त बनाने के लिए और पशुपालन को लाभदायक बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहले से ही राज्य में किसानों से गोबर खरीदा जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक उत्तरी छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के तहत
इसकी शुरुआत की जाएगी। जानकारी के मुताबिक किसानों से 4 रूपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र की खरीद की जाएगी। अगले 2 सप्ताह में इस योजना के शुरू होने की भी उम्मीद जताई गई है। छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले त्योहार हिरेली के मौके पर योजना को लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि 25 जून 2020 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। सरकार की मंशा थी कि आवारा पशुओं के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए सरकार पशुपालकों से गोबर और गौमूत्र खरीदेगी। ऐसा करने से लोग दूध ना देने वाली गायों को सड़क पर नहीं छोड़ेंगे। सरकार का कहना है कि इस गोबर की खरीद के बाद वर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा और गौमूत्र की खरीदारी के बाद सरकार इससे कीटनाशक और फंगिसाइड बनाएगी और ऐसा करने से जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। इस बार प्याज की कीमतें देशवासियों को परेशान नहीं करें, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक खास तैयारी कर ली है। देश में प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने इस साल 2022-23 में किसानों से 2.5 लाख टन प्याज की खरीद की है और बफर स्टॉक बना लिया है। बफर स्टॉक रहने का फायदा ये होगा कि जैसे ही देश में प्याज की खुदरा कीमतों में उछाल आएगा, सरकार उस स्टॉक को बाजार में उतार देगी। इससे प्याज के दाम को नियंत्रित करने में काफी मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में काजू उत्पादक किसान इन दिनों काफी परेशान हैं, क्योंकि उनके उत्पादन में कमी आने की आशंका है। किसानों का मानना है कि बेमौसम बारिश, तापमान और कीटों के प्रकोप के कारण काजू का उत्पादन 70% तक प्रभावित हो सकता है। इसके कारण किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में काजू का उत्पादन पिछले हाल के कई वर्षों में प्रभावित हो रहा है। उड़ीसा में सरकारी दर पर धान की खरीद में अनियमितता बरतने के आरोप को लेकर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 8 सचिवों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यवाही का ये आदेश सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार को दिया गया है। आरोप है कि साल 2021-22 के दौरान जानबूझकर धान खरीद के लिए तय किए गए गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया है। इसके कारण प्रदेश के सैकड़ों किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सरकार द्वारा लहसुन खरीद नहीं किए जाने के विरोध में हड़ौती के किसानों ने शुक्रवार को अनूठा विरोध जताया है। किसान विरोध दर्ज कराते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कृषि मंत्री को लहसुन स्पीड पोस्ट किया है। किसानों का कहना है कि सरकार ने लहसुन की खरीद नहीं करके किसानों की कमर तोड़ दी है। प्रधान ढाकगढ़ से मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को लहसुन भेजकर विरोध जताया गया है। जल्द खरीद शुरू नहीं हुई तो राजफेड़ कार्यालय पर किसान लहसुन बेचने भी पहुंचेंगे। इस बात की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। किसानों की दयनीय और विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन हरपाल गुट के किसान कार्यकर्ताओं के साथ अलीगढ़ जिले की तहसील खैर कार्यालय पहुंचे और SDM खैर से मुलाकात कर किसानों को हो रही समस्याओं के बारे में अवगत कराया। इसके अलावा किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन SDM खैर संजय मिश्रा को भी सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से हरपाल गुट ने मांग की है कि किसानों के धान की फसल की रोपाई चल रही है, लेकिन किसानों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्हें वक्त रहते बिजली उपलब्ध कराई जाए। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।